वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एसटी अनुसूचित जाति के अंतर्गत कितने रैंक वालों का एकदम 100% सिलेक्शन होगा, उसका मैं यहां पर विगत 4-5 घंटे में इसका एनालिसिस करके एक रैंक और एक लिस्ट बनाया हूँ सबका, एसटी एससी जनरल OBC करके और दिव्यांग लोग का। इससे पहले मैं सामान्य वर्ग के लिए वीडियो बना चुका हूँ, अनुसूचित जाति SC समुदाय के लिए वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो अनुसूचित जनजाति ST समवर्ग को जाता है। अगला वीडियो मेरा बनेगा OBC कैटेगरी के लिए, ओके, और लास्ट में बनेगा दिव्यांग लोग के लिए, ओके। तो चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो भर्ती होगा वो स्थानीय भर्ती होगा उन क्षेत्रों में जहाँ सरगुजा संभाग के सभी जिले, ठीक है, बस्तर संभाग के सभी जिले तथा कोरबा जिला, ठीक है, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग तथा कोरबा जिला, इतने में जितने भी पद हैं वो कुल मिलाकर दिव्यांग सहित 352 पद हैं, ठीक है। 1200 में से 352 घटाने पर 848 आता है फ्रेंड्स, और जो अभी मैं रैंक जो बता रहा हूँ कुल मिलाकर 848 में से ही रैंक कुल मिलाकर बता रहा हूँ, ठीक है। अब स्थानीय भर्ती होगा नहीं होगा ये निर्णय करना सरकार का काम है, ठीक है, लेकिन जो राजपत्र घोषित हुआ था एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने के बाद जो जिसमें लिखा है 1 जनवरी 2019 से यह नियम लागू होगा, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर जो भर्ती होता है, जिला समर्ग का जो पद होता है जिस है ना, उसके लिए स्थानीय भर्ती होगा इन क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में? सरगुजा संभाग के जिले, बस्तर संभाग के जिले तथा कोरबा जिले में, ठीक है। तो आई थिंक ये सब समझ चुके होंगे। और अगर आप मेरा लैब असिस्टेंट से संबंधित रैंक एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखिए, उसे समझिए कि मैंने क्या कहा है, उसका अगला चरण में यह वीडियो देखेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसको देख लीजिए रैंक क्या है। जो रैंक आपके डाउनलोड किया है उसमें रैंक दिया गया है, ओवरऑल रैंक दिया गया है, कैटेगरी रैंक दिया गया है, महिला कैटेगरी रैंक दिया है, महिला रैंक दिया गया है, तो ये सब क्या है उसके बारे में मैंने बताया है। अब इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कितना रैंक लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया है, देख सकते हैं आप, अनुमुक्त में कुल मिलाकर जो पद हैं, जो जोड़ गुणा घटा गुणा करके करने के बाद मैं ये डेटा आपके सामने लेकर आया हूँ। मुक्त में ई संवर्ग में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन से संवर्ग में, ई संवर्ग में आपका 99 पद है, महिला में 35 पद है, मुक्त में टी संवर्ग में 30 पद है और महिला में 9 पद है, ठीक है। जोड़ेंगे तो 129 आ रहा है और इधर से महिला में जोड़ेंगे तो 44 आ रहा है, ठीक, कुल मिलाकर 173 पद है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। मुक्त का थोड़ा तात्पर्य मैं इसका आशा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुक्त वह पद होता है जिसमें टॉप महिला पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर 99 रैंक में हो सकता है कुछ महिला भी होंगे, हो सकता है कुछ पुरुष भी होंगे, जो कि 99 रैंक तक का जो डेटा मिलेगा इनको वो मुक्त में जाएंगे, ठीक है। इसको भी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो 99 पद है, उसी तरह टी संवर्ग में 30 पद है। थोड़ा हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए, मैं 99 पद का यहाँ उदाहरण देने वाला हूँ, ठीक है, ये 99 पद को आप याद रखिए, ओके। अब मान लीजिए कि हमारे पास 99 पद है ना, जिसमें से 70 पुरुष टॉप करते हैं और 29 महिला टॉप करते हैं, क्योंकि ये मुक्त का पद है इसलिए जो टॉप में आएगा वो मुक्त में जाएगा, ओके। तो इसमें से 70 पुरुष हैं और 29 महिला हैं और कुल मिलाकर 99 पद है, कौन से संवर्ग में, ई संवर्ग में, ध्यान दीजिएगा। तब दिया गया है कि ई का महिला पद कितना है फ्रेंड्स, 35 है, जैसे कि अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देख पा रहे हैं यहाँ महिला पद कितना दिया गया है ई संवर्ग में, 35 दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए, तब दिया गया है कि ई संवर्ग में महिला का पद 35 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जो टॉप 29, जो 1, 2, 3 करके जो टॉप महिला किए हैं 29, वो तो 29 लोग मुक्त में चले गए, है ना,
किसमें चले गए, इस मुक्त में चले गए वो लोग। ओके, अब जो बचे 30, 31, 32, 33 करके, तो ये लोग क्या करेंगे, जो टॉप 29 चले तो गए हैं, लेकिन जो 29वां से 30वां करके जो 35 होगा, अगला 35 गिनेंगे। मतलब ये है कि 29 में 35 जोड़ देंगे, तो जहां तक रैंक बनेगा उतने लोग महिला कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो 29 में 35 जोड़ दो, 64 रैंक बन रहा है। मतलब अगर आप महिला श्रेणी में इस वर्ग में आपका अगर रैंक 64 तक आ रहा है, ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और इस वर्ग में अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है और अगर आपका रैंक 64 तक आ रहा है, किसके लिए, एसटी कोटा के लिए, ध्यान दीजिएगा, एसटी कोटा के लिए अगर आपका रैंक 64 आ रहा है तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझिए। ओके, अब हम बात करते हैं अगला। इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, टी संवर्ग के लिए भी सेम कंडीशन लागू होगा। मुक्त में 30 पद है, ठीक है फ्रेंड्स, और 30 तक में अगर आपका रैंक सम्मिलित है तो आप मुक्त में चले जाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसी तरह 9 पद दिया गया है महिला के लिए, तो मान लेते हैं कि 30 में से 15 पुरुष आ जाते हैं तो, और 30 में से 15 महिला आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ 9 पद दिया गया है, तो 9 और 15 को जोड़ देंगे तो जितना रैंक जहाँ तक बनेगा वहीं तक महिला कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब मैं नया फैक्ट दे रहा हूँ। अब कई लोग फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो ई और टी संवर्ग दोनों में फॉर्म डाले हैं और दोनों में उनका अच्छा रैंक आ गया है। जैसे मैं एक कैंडिडेट को लेता हूँ जो कि ई संवर्ग में फॉर्म डाला और उसका रैंक आ गया 12वां, और टी संवर्ग में डाला उसका आ गया रैंक 15वां, ठीक है। यहाँ ई संवर्ग में आया 12 और टी संवर्ग में आ गया 15, तो इसी तरह दोनों में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, या तो ई संवर्ग को ज्वाइन करेगा या तो टी संवर्ग में ज्वाइन करेगा। मान लेते हैं कि वो ई संवर्ग को ज्वाइन करता है तो टी संवर्ग में उसका एक पद खाली हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो, तो अगला जो जो नेक्स्ट जो मेरिट में आएगा, जैसे 30 तक का तो रैंक सम्मिलित कर लेंगे इसमें, तो 31वां जो रहेगा उसी में आ जाएगा। इसी तरह कई लोग ऐसे होंगे जिनका मेरिट में दोनों जगह में नाम आएगा और दोनों काउंसलिंग भय कराएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग एक ही जगह करेंगे वो लोग, इसलिए एक पद रिक्त तो होगा और निचला वाला जो रैंकर रहेगा उसको हम आगे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से एक पद रिक्त होगा और वो आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह कई लोग होंगे, और इस तरह ऐसा नहीं है कि मैं जो रैंक बता रहा हूँ ये इतना तक ही लिमिट रहेगा, है ना, इससे रैंक ज़्यादा जाएगा। इन 99 जोड़ा हूँ तो हो सकता है इससे ज़्यादा जाएगा, अगर टी संवर्ग में 30 जोड़ा हूँ तो इससे ज़्यादा जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन जो मैंने देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये मान के तो चलिए कि आप ना जो इस जो रैंक आप देख रहे हैं यहाँ तक का, उनका तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तब की स्थिति में जब स्थानीय भर्ती होती है, और अगर स्थानीय भर्ती नहीं होती है तो ये डेटा कोई काम का नहीं है। ओके, नहीं होती तो कोई काम का नहीं, क्योंकि रैंक इससे ज़्यादा ही जाएगा। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्थानीय भर्ती नहीं भी होगी ना, तो जो डेटा मैं बताया हूँ ना, ये सारे डेटा निश्चित रूप से आपका जो रैंक अचीव करेंगे लोग, निश्चित रूप से 100% सिलेक्शन होगा। अगर मेरी आप बातों को नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा को वीडियो को फिर से प्ले करिए और फिर से सुनिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूँ कि मेरा जो रैंक एनालिसिस वाला वीडियो है ना, उसको देख ही लीजिए, क्योंकि उसमें मैं पूरी तरह से बताया हूँ कि ये कौन सा रैंक है, ये कौन सा रैंक है। ओके, और इसके दो वीडियो बनाए हूँ एससी संवर्ग के लिए भी, एससी संवर्ग में मैंने भी डिटेल से समझा दिया है। ओके, रैंक क्या है, कैसे रैंक बना है उसको। तो फिर भी से किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वैसे मैं जो बता दी हूँ उस प्रोसेस को, अगर आप समझ गए होंगे तो आप खुद से भी डाटा बना इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट में यही कहूँगा कि जिनका रैंक, ध्यान दीजिएगा, जिनका रैंक 134 आ रहा है इस संवर्ग में, सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिनका रैंक 134 आ रहा है इस संवर्ग में, है ना, वो अपने आप को सिलेक्टेड समझें, बसरते वो सभी जिलों में फॉर्म भरा हो। ओके, उसी तरह टी संवर्ग में महिला कैंडिडेट के लिए जिनका रैंक 39 आ रहा है वो अपने आप को सिलेक्टेड समझें। ओके फ्रेंड्स, और ओवरऑल देखें तो ऐसे महिला कैंडिडेट जिनका 173 तक का रैंक है,
है ना, चाहे वो पूरे पूरे मिलाकर देखें, क्योंकि कोई भी आदमी एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना, तो 173 तक का रैंक जिनका है, महिला संवर्ग की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति में, वो 100% सेलेक्टेड हैं। ओके फ्रेंड्स, मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ओके, और इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन जो पुरुषों के लिए 173 नहीं है, पुरुष इसी में आएंगे, ठीक है, ये 99 और 30 में से। ओके, जिनका रैंक 129 तक है, वो अपने आप को सिलेक्टेड समझे पुरुष लोग, ठीक है, क्योंकि मुक्त में स्त्री पुरुष आ सकते हैं। और मान लेते हैं जिसका 129वां रैंक है ना, तो निश्चित रूप से अपने आप को सिलेक्ट समझे, क्योंकि मुक्त कैटेगरी से है वो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। आई थिंक मैंने अपनी सभी बातों को समझा दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।